नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है और पहला सोमवार आने वाला है, तो अलग अलग ग्रहों की वजह से अलग अलग जो समस्याएं आ रही हैं, वो अगर इस अधिक मास के सावन के महीने में अगर हम शिव जी की आराधना कर लेते हैं तो हमारे लिए विशेष फलदायी होगा। तो जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प है या लगन में चंद्रमा है और चंद्रमा दूषित है, जिसकी वजह से डिप्रेशन या धन के अंदर हानि हो रही है, उन लोगों को प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल के साथ साथ थोड़े से चावल चढ़ाने चाहिए। तो इससे जो है उनका चंद्रमा शांत होगा, क्लीन होगा और उनको अच्छे फल देगा। मंगल की वजह से जिन लोगों को समस्याएं आ रही हैं, उन लोगों को भगवान राम का नाम लिखकर बेलपत्र जो है वो शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए। इससे उनका मंगल जो है वो बलि होकर उनको फल देगा। जिन लोगों के व्यवसाय में समस्याएं आ रही हैं, बुध की वजह से समस्याएं आ रही हैं, तो उन लोगों को प्रत्येक बुधवार के दिन एक मिट्टी के बर्तन के अंदर मूंग साबुत भरकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने चाहिए। इससे उनके व्यवसाय बाधा दूर होगी और उनको लाभ होगा। जिन लोगों के जिंदगी में बृहस्पति की वजह से एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं या शादी में दिक्कतें आ रही हैं, खासकर कन्याओं को अगर दिक्कतें आ रही हैं, तो उन लोगों को वीरवार के दिन भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है चने की दाल चढ़ानी चाहिए और चने के दाल के साथ साथ गोपी चंदन को तिलक बनाते हुए भगवान राम का नाम जो है सामने बैठकर जाप करना चाहिए। तो इससे उनका बृहस्पति उनको अच्छा फल देगा। जिन लोगों का शुक्र कमज़ोर है, वो इस सावन के अंदर शुक्रवार के दिन अगर शिवलिंग के ऊपर चंदन का तेल चढ़ाते हैं और साथ में नागदेव के ऊपर भी चढ़ाते हैं और भगवान के विवाह के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए ओम नमो शिवाय का जाप करते हैं, तो उनका शुक्र मजबूत होगा और इससे उनके विवाह और जिंदगी के अंदर लग्जरी के जो फैक्टर्स हैं वो खुल जाएंगे। जिन लोगों का शनिदेव की वजह से कामों में अड़चने आ रही हैं, उन लोगों को शनिवार के दिन 8 काली मिर्च के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से उनका शनि जो है वो कुपित है और वो शांत हो जाएगा और उनको अच्छे फल देना शुरू करेगा। उसी तरह से जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और जिसकी वजह से बाधाएँ आ रही हैं, उनको हर रविवार के दिन शिवलिंग के ऊपर लाल फूल या गुलाब के फूल चढ़ाने चाहिए अथवा गुलाब जल चढ़ाना चाहिए और राम नाम का जाप करना चाहिए। तो इससे जो है उनका सूर्य मजबूत होगा और उनकी गवर्नमेंट सेक्टर की समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। इसके अलावा पंचामृत से स्नान करवाने से प्रत्येक सोमवार या पूरे के पूरे सावन में पंचामृत का स्नान करवाने से भी हमें भोलेनाथ जो है विशेष फल देते हैं, क्योंकि पंचामृत के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। गंगा जल जो है वो चंद्रमा का रूप होता है, माँ का रूप होता है, चंद्रमा मजबूत होता है उससे। दूसरा शहद होता है, शहद से मंगल भी मजबूत होता है और शुक्र भी बलि होता है। तो जिन बहनों को शुक्र कमज़ोर है, जिंदगी के अंदर मन चाहा सुख नहीं मिल रहा है, तो उन बहनों को शुक्रवार के दिन जो है शिवलिंग के ऊपर शहद चढ़ाना चाहिए। इससे उनको लाभ होगा। उसके अलावा पंचामृत के अंदर दूध होता है जो चंद्रमा का रूप है, दूध क्लींजिंग का काम करते हैं, जिंदगी के अंदर परेशानियां हैं उनको साफ करेगा। पंचामृत के अंदर दही होता है तो दही भी शुक्र का रूप होता है और वो जिंदगी के अंदर जो है हमारे लग्जरी के फैक्टर को लेके आता है। तो इस तरह से पंचामृत से स्नान कराने से भी हमें इस सावन के अंदर विशेष लाभ होगा। तो भगवान शिव आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ही थैंक यू।